एवरीवन, मैं ही ज्योति जसनेदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और आज के वीडियो में सबके साथ बात करने वाली हूँ विटामिन सी सीरम के बारे में। विटामिन सी सीरम मुझे मेरे स्किन केयर रूटीन में यूज करते करते 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। और विटामिन सी सीरम पे मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोज में मैंने विटामिन सी सीरम को फीचर किया है। फिर भी मुझे उन पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, DM आते हैं इंस्टाग्राम पे कि कैसे चूज करें, कैसे यूज करें, क्या डूज क्या डोंट, सब कुछ। तो आज के वीडियो में मुझे आज तक के मेरे विटामिन सी सीरम जर्नी में जो भी नॉलेज है विटामिन सी सीरम को लेके, वो सब मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी कि विटामिन सी सीरम के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसे कैसे यूज करना चाहिए, इसके क्या डूज हैं, डोंट्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, किन चीज़ों के साथ पेयर कर सकते हैं, किन चीज़ों के साथ पेयर नहीं कर सकते। जितनी भी मुझे नॉलेज है सब मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट कर दीजिएगा, अगर मैं उसका आंसर कर पाऊंगी, मुझे उसकी जानकारी होगी तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो यूजफुल लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पर नए तो ऐसे ढेर सारे वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फटाफट से नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करूंगी कि विटामिन सी सीरम के क्या बेनिफिट्स हैं, ऐसा क्या है इसमें कि हर कोई इसको यूज करता है, हर कोई इसके बारे में बात करता है। तो इसके कोई एक बेनिफिट्स नहीं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज कि विटामिन सी सीरम काफी सेफ होता है, मतलब विटामिन सी एज एन इंग्रेडिएंट काफी सेफ होता है ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप के लिए, इवन फॉर सेंसिटिव स्किन। तो विटामिन सी के ना बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, 3-O-ethyl-L-ascorbic acid, एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, बहुत सारे। और जरूरी नहीं है कि हर विटामिन सी सीरम में एक ही डेरिवेटिव यूज करा गया हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सेफ है। जैसे कि जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये काफी पोटेंट तो होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड मैंने एक बार एक विटामिन सी सीरम जिसमें कि एस्कॉर्बिक एसिड यूज करा गया था उसको यूज किया था एंड मुझे मेरे इस एरिया में काफी सारे एक्ने पिंपल आ गए थे, मतलब मेरी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गई थी उससे। तो उससे मुझे समझ में आया कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो मेरे लिए नहीं है। उसके अलावा मैंने विटामिन सी सीरम यूज किया, जैसे 3-O-ethyl-ascorbic acid, ये विटामिन सी का सबसे स्टेबल फॉर्म होता है और मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मुझे पता है कि मेरी स्किन के लिए 3-O-ethyl-ascorbic acid काफी अच्छा काम करता है। तो ये कह लीजिए ट्राई एंड टेस्ट करके समझ में आएगा, बट 3-O-ethyl-ascorbic acid काफी स्टेबल फॉर्म होता है विटामिन सी का और लगभग हर स्किन टाइप वाले उसको यूज कर सकते हैं। अदर बेनिफिट जो विटामिन सी का है वो ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है, कोलेजन प्रोडक्शन को जो है स्किन में बूस्ट करने का बहुत अच्छा काम करता है। कोलेजन जो होता है एक तरीके का प्रोटीन होता है हमारी स्किन में, जो कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसका सिंथेसिस कम होता जाता है, जिसकी वजह से फाइन लाइन्स, रिंकल्स आते हैं। और विटामिन सी क्या करता है कि इसके प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, तो एक बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। दूसरा नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ये सन डैमेज से को भी रिड्यूस करने का बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर सनस्क्रीन के साथ विटामिन सी को पेयर करें मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में तो बहुत ही अच्छा काम करता है सन डैमेज को भी रिड्यूस करने का। इन टर्न सन डैमेज से अगेन वही रिंकल्स, फाइन लाइन्स, पिगमेंटेशन जो होती है तो उन सबसे बचाने का बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने पिंपल के मार्क्स, इनको भी फेड करने का बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये मेलानिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। मेलानिन ही होता है जिससे कि हाइपरपिगमेंटेशन वगैरह होती है, तो मेलानिन को ये इनहिबिट करता है जिससे हाइपरपिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, ये सब कमी आती है जब विटामिन सी सीरम आप रेगुलर यूज करोगे। अगर आप रेगुलर यूज करते होगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है कि ये एक इवन स्किन टोन देता है स्किन को। दूसरा है कि ये स्किन को बहुत एक अच्छा ग्लो देता है, ग्लो फ्रॉम विद इन। तो अगर आप कोई सीरम देख रहे हो जो कि आपको ग्लोइंग स्किन दे तो विटामिन सी सीरम इज फॉर यू। ओके, तो ये तो बात हो गई बेनिफिट्स की। अब बात करूंगी कि विटामिन सी सीरम को यूज कैसे करना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया बट स्टिल मुझे कमेंट्स आते हैं, तो बिल्कुल सीधा सिंपल है। सबसे पहली चीज कि विटामिन सी सीरम को आप आपके मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन दोनों में आराम से यूज कर सकते हो, दिन में 2 बार भी आराम से यूज कर सकते हो। अगर सिर्फ एक बार ही यूज करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूज करें, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि ये सन डैमेज को भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूज करना मैं प्रिफर करती हूँ और मैं खुद भी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में ही यूज करती हूँ।
तो यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आप अपने फेस को फेस वॉश से जब वॉश कर लीजिए, उसके बाद आपके फेस को कंप्लीटली ड्राई कर लीजिए एंड विटामिन सी सीरम की 3 से 4 ड्रॉप्स लेके अपने फेस पे पैट पैट करते हुए अप्लाई कर लीजिए। और उसके बाद आप अप्लाई करिए अपना मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत कॉमेंट्स आते हैं कि हमारी स्किन ऑयली है, मॉइस्चराइजर लगाना है या नहीं। कोई भी स्किन टाइप हो आपकी, मॉइस्चराइजर जरूर लगाना। और उसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो है सनस्क्रीन अप्लाई करने का। आप चाहे आपके नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में विटामिन सी सीरम यूज कर रहे हो या मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में, आपको मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में आपके सनस्क्रीन जरूर जरूर अप्लाई करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो सीरम वगैरह इस तरीके के होते हैं वो हमारी स्किन को फोटो सेंसिटिव बना सकते हैं, इसीलिए सनस्क्रीन जो है वो आपके स्किन केयर रूटीन का लास्ट स्टेप होना चाहिए। मुझे पता है कि मुझे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा सनस्क्रीन यूज करें या आप कौन सा सनस्क्रीन यूज करते हो, तो आई कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट सनस्क्रीन, बट जो एक कांस्टेंट सनस्क्रीन है जो हमेशा मेरे पास होता है वो है ये द डर्माकोका हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन जेल। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि आई एम अ फैन ऑफ दिस। ये हमेशा मेरे पास होता है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो इसको लेके जाती हूँ। दिस इज अ रियली रियली गुड सनस्क्रीन। एक तो ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, स्किन को बिल्कुल भी ऑयली या ग्रीसी नहीं बनाता है, बट ये काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग है। तो अगर आपकी ड्राई भी स्किन है तो भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी फ्लेकी ड्राई नहीं बनाएगा। और कहने की जरूरत नहीं है कि ये स्किन पे कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग सनस्क्रीन। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, मतलब ये यूवीए यूवीबी दोनों रेस से प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही साथ में ये ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। ब्लू लाइट प्रोटेक्शन का मतलब कि जो हमारे स्क्रीन से, फोन, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन से जो लाइट निकलती है ना, वो भी हमारी स्किन को डैमेज करती है। और आजकल हम इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्क्रीन के सामने, तो ऐसा सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है जो कि ब्लू लाइट डैमेज से बचाए। और ये जो सनस्क्रीन है ये ब्लू लाइट डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। दिस इज माय अल्टीमेट फेवरेट। तो ये सनस्क्रीन में SPF 50 जो कि काफी हाई प्रोटेक्शन है, साथ ही साथ में इसमें हाइलुरोनिक एसिड है 1% जो कि स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चर को लॉक इन करेगा, विटामिन ई भी है जो कि स्किन को सूथ करेगा, और ये सनस्क्रीन फ्रेग्रेंस फ्री भी है। तो जिनकी स्किन फ्रेग्रेंस से इरिटेट होती है वो भी इसको आराम से यूज कर सकते हैं। आई नो कि मुझे ये भी कमेंट्स आएंगे कि आपने डेमो में कौन सा सीरम यूज करा है, तो मैंने यूज करा था ये द डर्माकोका 10% विटामिन सी सीरम। ये ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, काफी इसको मैंने यूज किया, और ये सीरम मैं अभी से यूज नहीं कर रही हूँ। इट्स बीन मोर देन 2 ईयर्स जब से मैं ये द डर्माकोका सीरम यूज कर रही हूँ। अगर आप बहुत पहले मेरे लगभग 1.5-2 साल पहले चैनल पे स्क्रोल करोगे तो आपको दिख भी जाएगा ये सीरम का रिव्यू, और उसके बाद ही मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोज में इसको फीचर करा है। तो ये जो है ये 10% विटामिन सी सीरम है। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करना चाहूंगी। आई थिंक कि 10-20% कॉन्सेंट्रेशन विटामिन सी की इनफ होती है हमारे स्किन में चेंजेस दिखाने के लिए। और अगर आप विटामिन सी सीरम यूज करो तो एटलीस्ट यूज इट फॉर 4-6 वीक्स रेगुलरली चेंजेस देखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप आज यूज करना स्टार्ट करोगे तो 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आपको कोई चेंजेस दिखाई देंगे। एटलीस्ट 4-6 वीक्स विटामिन सी सीरम यूज करिए, उसके बाद ही वो असर दिखाना स्टार्ट करता है। तो मेरा ये फेवरेट विटामिन सी सीरम है। इसका एक रीजन तो ये है कि इसमें 10% ऑफ विटामिन सी सीरम है और ये मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। मेरे एक्ने पिंपल मार्क्स को इसने कम करने में बहुत 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 मदद की है। उसके साथ ही साथ इसमें 5% ऑफ नायसिनामाइड का यूज करें। अब नायसिनामाइड क्या चीज है भाई, तो नायसिनामाइड भी एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है, अगेन हर स्किन टाइप के लिए, क्योंकि नायसिनामाइड एक्ने पिंपल के मार्क्स को कम करने का काम करता है, एक्ने पिंपल को भी कम करने का काम करता है, साथ ही साथ एनलार्ज पोर्स को श्रिंक करने का काम करता है। तो नायसिनामाइड भी एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है जो इसमें यूज करा गया है। तो आपने बहुत जगह सुना होगा या पढ़ा होगा कि विटामिन सी के साथ नायसिनामाइड को कंबाइन नहीं करना चाहिए, बट इसमें भी काफी सारे एक्सेप्शंस हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि विटामिन सी के बहुत सारे डेरिवेटिव्स आते हैं, और इस सीरम में विटामिन सी का जो फॉर्म यूज करा गया वो है 3-O इथाइल एल एस्कॉर्बिक एसिड, और इस डेरिवेटिव के साथ नायसिनामाइड को आराम से कंबाइन करा जा सकता है। तो इस चीज की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि इसमें विटामिन सी के साथ नायसिनामाइड यूज करा गया तो कैसे यूज करें, कहीं कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ ही साथ लेट मी टेल यू कि इसमें जो है हाइलुरोनिक एसिड का भी यूज करा गया है, और जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हाइलुरोनिक एसिड एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट होता है, मॉइस्चर को स्किन में लॉक इन करके रखता है, स्किन को प्लम्प बनाता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है या डिहाइड्रेटेड है तो भी आप ये वाला विटामिन सी सीरम आराम से यूज कर सकते हो, और ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है।
सो अगर आप बिगिनर हो तो आप ये 10% विटामिन सी सीरम आराम से यूज कर सकते हो, बट अगर आप बिगिनर नहीं हो, आप 10 से हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज करना चाहते हो, एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो और ज्यादा पोटेंट विटामिन सी सीरम यूज करना चाहते हो, तो द डर्माकोमिड 20% विटामिन सी सीरम भी अवेलेबल है जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। इस सीरम का प्राइस मैं आपको बताऊं तो ये 649 रुपीज का था, जिसमें 30 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है मेरा कूपन कोड, इस कूपन कोड को आप द डर्माको की वेबसाइट पे यूज करोगे तो आपको द डर्माको के किसी भी प्रोडक्ट पे 20% का ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ में मैंने जो भी द डर्माको के प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं इस वीडियो में, वो आप द डर्माको की वेबसाइट के अलावा अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। तो जो भी लिंक्स है परचेज के प्लस कूपन कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। बता दूं आपको कि द डर्माको है स्टार्टेड यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, जिसके अंडर जब भी हम उनकी वेबसाइट से कुछ बाय करेंगे तो हमारे ऑर्डर को वो लिंक करेंगे एक चाइल्ड से, जिसे वो हेल्प करेंगे एजुकेट करने में अलोंग विद भूमि, एंड दे हैव प्लेस टू एजुकेट 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। और जैसा मैंने आपको बताया ही कि इनकी जो भी न्यू लॉन्चेस है वो सबकी सब फ्रेग्रेंस फ्री है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप विटामिन सी सीरम को यूज कर रहे हो या फिर चूज कर रहे हो अपने लिए कोई विटामिन सी सीरम। तो सबसे पहली चीज कि जैसा मैंने पहले बताया कि आप चाहे एएम रूटीन में यूज कर रहे हो विटामिन सी या पीएम रूटीन में यूज कर रहे हो, आपको सनस्क्रीन आपके एएम रूटीन में जरूर जरूर यूज करना है। दूसरी चीज कि कब यूज करें, अगर ये कंफ्यूजन है आपको, अगर आप सिर्फ एक ही बार यूज करना चाहते हो मॉर्निंग में या नाइट में, तो मैं कहूंगी कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूज करें, क्योंकि ये सन डैमेज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तीसरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि हमेशा आपके विटामिन सी सीरम को सनलाइट से या लाइट से दूर एक कूल एंड डार्क प्लेस में रखें। अब कूल प्लेस में रखने का मतलब ये नहीं कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दोगे, कोई जरूरत नहीं रेफ्रिजरेटर में रखने की, बट आपके अलमारी के अंदर, कबर्ड में, ड्रॉअर में ऐसे रखिए कि उस पर डायरेक्ट लाइट ना पड़े और जहां पे आसपास में कोई हीट का ऐसा सोर्स ना हो, जिससे कि आपका विटामिन सी सीरम ज्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि विटामिन सी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए आप उसको कूल एंड डार्क प्लेस में रखें। और अगर विटामिन सी सीरम आपका पैकेट में आता है, जैसे कि ये जो द डर्माको का है विटामिन सी सीरम, ये पैकेट में आ रहा है, तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि मैं यूज करती हूँ पैकेट में से निकाल के और वापस इसको पैकेट में रख के, और ये जो डब्बा है इसको मैं रख देती हूँ मेरे ड्रॉअर में। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी, जब भी आप आपका विटामिन सी सीरम चूज कर रहे हो, कि हमेशा एक ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन पे जाए। जैसे कि अगर आप बिगिनर हो तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली 20% वाला विटामिन सी सीरम खरीद के यूज करने लगो कि यार 20% है तो ये तो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी से असर दिखाएगा मेरी स्किन पे, तो मैं 20% यूज करती हूँ, ऐसे नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हो तो हमेशा लगभग 10% से स्टार्ट करो, 10% भी सही कॉन्सेंट्रेशन होती है बिगिनर के लिए, और उसके बाद जब आपकी स्किन यूज टू हो जाए, आप टॉलरेट करने लगो, तो तब आप 10 से 20% पे या हायर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर सकते हो। एक चीज जो मैंने सीखी है कि क्या नहीं करना है विटामिन सी सीरम खरीदते समय, वो ये कि उसे स्टॉक करके नहीं रखना है। मतलब कि जैसे हमने देखी कि कोई सेल चल रही है और मेरा फेवरेट विटामिन सी सीरम जो है वो डिस्काउंट पे है, तो चलो मैं खरीद लेती हूँ अभी, तो जो मैं जैसे मान लो कि मैं इसको यूज कर रही हूं और अभी ये चलेगा थोड़े दिन तक, खत्म होने वाला है, बट क्योंकि ज्यादा ज्यादा 3-4 ड्रॉप्स यूज करनी तो इतनी जल्दी अभी खत्म नहीं होगा, तो मैं अभी तुरंत ही स्टॉक करके नहीं रखूंगी। जब ये खत्म हो जाएगा तब मैं ऑर्डर करूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि विटामिन सी सीरम बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं अगर उन्हें आपने प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया। इसलिए स्टॉक करके मत रखिए, पता चला कि जब आप उसको यूज करने जाओगे तब तक में वो ऑक्सीडाइज हो गया, और जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो आपके किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी आपके विटामिन सी सीरम को रेटिनॉल, AHA, BHA के साथ कंबाइन नहीं करना है, एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स के साथ कंबाइन नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी स्किन को इरिटेट करेंगे, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन फ्लेकी हो सकती है, आपका जो स्किन बैरियर है वो डैमेज हो सकता है। एंड ट्रस्ट में, जब स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम वापस से उसको रिस्टोर करने में। तो अगर आप जैसे AHA, BHA, रेटिनॉल यूज करना भी चाहते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि विटामिन सी सीरम मॉर्निंग में यूज करिए, और ये जो AHA, BHA, रेटिनॉल है इसको नाइट टाइम में यूज करिए। सो यार, ये थी सारी नॉलेज जो कि आज तक मुझे है विटामिन सी सीरम को लेके। तो अगर आप एक सेफ
सीरम देख रहे हो जो कि आपके स्किन टोन को इवन आउट करने में हेल्प करे, ब्राइट स्किन दे, ग्लोइंग स्किन दे, पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करे, एक्ने पिंपल के मार्क्स को कम करने में हेल्प करे, तो आप विटामिन सी सीरम ट्राई कर सकते हो। इट इज अ ग्रेट एंटी एजिंग सीरम भी, तो आप अगर एंटी एजिंग सीरम देख रहे हो तो भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, एक और चीज मुझे कमेंट आता है कि किस एज से स्टार्ट कर सकते हो, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। इफ यू आर 16-17 आप विटामिन सी सीरम यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, बट कीप इन माइंड कि कम कॉन्सेंट्रेशन से आप स्टार्ट करिए। तो या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखा उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया, आप चेक कर लीजिएगा। कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट करिए, अगर मुझे उसकी जानकारी होगी तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर।